ऐसे कीजिए मुंह ऊपर। हाँ तुम चाट खाने आए? हाँ हम भी जलेबी खाने। ये देखो रात के चुल मची थी इनके काम करने की और बोतल तोड़ दी। हे गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग सच में बहुत अरे नहीं है इम्पोर्टेंट आज का। मेरे को एक तो आदत पड़ गई है। खैर ये वो टाइम है जब लोग व्लॉग बंद करके एडिट करके अपलोड करके सोने का टाइम होता है। मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ श्रेया को दोस्तों मैंने एक अच्छी आदत डाल दिया बहुत ज़्यादा। वो ये कि अब श्रेया भी रात को ब्रश करके सोती है। अच्छी बात है। सबसे बड़ा अत्याचार करा जा रहा है इस मशीन के ऊपर। हमारे घर बन रहा है लौकी का जूस। लौकी है नाम ला है लौकी आंवले का जूस। ये एक आध दिन का जोश ये मशीन किसी भी चीज का जूस निकाल सकती है। तेरा भी एक आध दिन का जोश चढ़ता है कि लौकी वौकी का आंवला खाएंगे कल से फिर वापस वही बनेगा। और ये देखो इसकी ये बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ये गिर रहे थे नीचे। ये बहुत सही जूस है वैसे। और वो सब कहाँ गए इसके जो ड्रम ड्रम स्टार्टिंग में लगाते थे सब जोश खत्म शौक। इतना कम इस बार इतना कम कम जूस क्यों आता है यार? अभी कम आता है पूरा खींच के निकाल रहे हैं। बाहर गिर रहा है तो वो देखो उसके बिना ना ये नेहा इसका ये वो अटैचमेंट दो। निकल नहीं रहा जूस मैं तो ये देख रहा हूं। ये इसका वैसे है नहीं। ये अपने लिए बना रहे हो आप? दोनों के लिए। हैं मैं ढंग की चीज़ पीऊँगा मैं नहीं पी रहा सुबह सुबह ये। फाइनली वो जूस बन के तैयार है और अब मैं आपको बताता हूँ इसको पीते कैसे हैं। इसको कैसे पीते हैं इसको ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ लौकी का लोगों का वो होता है कि लौकी है तो अच्छा नहीं होता। एक सेकंड रुको तो मैं आप बताता हूँ लौकी का जूस पीने की विधि होती है। एक तरीका होता है ऐसे दो उंगलियों को ऐसे इकट्ठा कीजिए ऐसे अपनी तरफ नाक की तरफ लेके जाइए ऐसे कीजिए मुँह ऊपर करेला सब कुछ डाल दो सबका जूस निकाल के वो कर दे। सब्जियों को फ्राई और वो सब करते हैं उसका न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी ऐसे ही निकल जाता है तो उसे अच्छा जूस ही बना के पी लो। नहीं हमेशा बोलने की जरूरत नहीं होती कुछ ब्लॉग में क्या तुझे भी ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं होती समझा। दोस्तों शो पे निकलने का वक्त हो चुका है श्रेया अभी तक रेडी हुई नहीं है तो मेरे को थोड़ी आपसे ही कौन सीए का फोन। अरे यार ये काट रहा हूँ यार भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे सीए ने आज तक मुझे फोन करके एक अच्छी खबर सुनाई ही नहीं है। मुझे लगता है सीए के कोर्स में ना ये वाली क्लास भी होनी चाहिए कि टैक्स देते टाइम सामने वाले बंदे को कंसोल कैसे करना है। नहीं सच में जब भी मेरा सीए मुझे फोन करता है एक ना एक डेबिट करवा के मानता है। और जो भी अपने सैलरीड प्रोफेशनल्स ये वीडियो देख रहे हैं आपको तो पता ही दोस्तों वो वाले महीने आने वाले हैं जब आप सैलरी स्लिप देख करके बोलोगे कि ये साला टीडीएस कटने के बाद भी इतना सारा टैक्स क्यों कट रहा है यार। और उसके बाद फिर जुगाड़ में लग जाओगे कि रेंट रिसीट मंगाए दवाई के बिल इकट्ठे करें और फिर आप ढूंढोगे कोई एजेंट या सीए जो कि आपको बताएगा कैसे टैक्स बचाया जाए। तो भाई उसकी जगह डाउनलोड कर लो ना ईटी मनी ऐप डाउनलोड कर लो। इट विल हेल्प यू सेव अप टू रुपी 78,000 विच इज लाइक मैक्सिमम वन कैन सेव। बेस्ट पार्ट इज इट एनेबल्स यू टू इन्वेस्ट इन ऑल द टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स इन जस्ट वन प्लेस। ये नहीं कि अलग अलग एजेंट्स का नंबर सेव कर रहे हो इंश्योरेंस के लिए कोई और एनपीएस के लिए कोई और किसी और चीज के लिए कोई और। इट्स बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन। और जिन लोगों को टैक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मतलब एकदम ही गुड़गोबर मचा रखा है समवन हु आई यूज्ड टू बी दे हैव कस्टमाइज्ड प्लान्स बेस्ड ऑन देयर सीटीसी। बस ईटी मनी ऐप डाउनलोड करना है उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है सैलरी कितनी होगी पीएफ डिडक्शन कितना होगा एटसेट्रा। वहीं पे आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितना आप सेव कर चुके हो और इसके बाद कितना सेव कर सकते हो और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके सेव कर सकते हो जैसे कि अपने टर्म इंश्योरेंस हो गया एनपीएस हो गया ईएलएसएसएमएफ हो गया। और ये ही नहीं आप इन सब में इन्वेस्ट भी कर सकते हो थ्रू ईटी मनी विच इज फ्री एंड 100% पेपरलेस। यार दोस्तों हम लोग एवरग्रीन आए थे श्रेया एक्चुअली आई थी काम से मैं भी इधर आया मैंने कहा श्रेया से मिल लो जरा कचौड़ी। अरे नहीं यार जलेबी बहुत सही होती है एवरग्रीन की। अब मैं आपको बता दूं आपको पता चल गया है कि दुनिया में कॉमेडियन बढ़ चुके हैं इंडिया में जब आपको कॉमेडियन चलते फिरते सड़क पर मिलने शुरू हो जाए। तो विक्रमजीत अंदर चाट खा रहे थे ये है दिल्ली के कॉमिक्स। और हम लोग मैं इसके ब्लॉग में जब भी हमें से बात चांस की बात है जब भी तेरे ब्लॉग में हूं खाने के लिए आया हूं इसके बारे में दही भल्ला खा रहे थे चंडीगढ़ के बाद पर आपके घर भी तो आया था उसके बाद उस टाइम तू भरता कर रहा था। हाय वो भरता ये कह रहे मैंने कुकिंग सीखी है भरता बनाया बहुत सही भरता था खिला था पूरा टेस्ट सही था पूरा कच्चा भरता चल करते सही था मैं नया नया बनाया था ये बता रहे इसका ये क्या कह रही है क्या कह रहे हो नोबडी कैन गो भरता में but he went wrong I went wrong but lekin tu he went total detour but isne bechare ne kha liya mera man rakhne ke liye are swad to tha
तो दोस्तों डेली कॉमिक्स मेरा आज का सीन डेली कॉमिक्स क्या पकड़े जाते हैं यूजुअली कॉमिक्स होते हैं ब्रो आर यू स्कोरिंग फ्रॉम हियर ये सब चल रहा होता है यहाँ तुम चाट खाने आए हाँ हम भी जलेबी खाने तो ऐसा सीन है अभी कुछ नहीं अभी विक्रमजीत अपने और विक्रमजीत किसी फ्रेंड के साथ आए थे मैंने पूछा फ्रेंड कौन मतलब बताओ तो कोई कपल ही है ओके डिसअपॉइंट हुआ मैं नहीं हुआ तो विक्रमजीत भी अवेलेबल है दोस्तों इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड शो के लिए भी आज कोई शो नहीं आज सैटरडे मेरा कोई शो नहीं है इसलिए मैं चैट कर रहा हूं तो आज काफी दिनों बाद मैं जा रही हूँ गौरव कपूर का शो देखने मेरा है नहीं मेरे साथ मानिक और सूरी सूरी भी हैं सो या मैंने आज पी लिया सुबह सुबह मतलब दोपहर में एक बियर और मैं हो गई एकदम तो क्या सिखा रहे हो आप यंगर जनरेशन को लुक एट दीस बेबीज लुक एट दीस डेजीज एक व्लॉग ये बना है ऐसे दोनों बैठे हैं बस अपना ज्यादा मैं कैसे बताऊंगा क्या ऐसे अपना चैनल खोलो और फिर ये सब करो ऐसे ही बैठे रहे बस तो फिर मैं देखूंगा जब आपके 333 व्यूज आएंगे उसमें भी लोग लिखेंगे सॉरी श्रेया हमसे गलती हो जो भी चिपकाते हो आप ये नहीं डालेगा तू क्या ये वाला पार्ट कुछ कुछ डालूंगा इसमें से जो मैंने बोला है सिर्फ वो खाली अपना अच्छा पता है तू ना हमेशा मैंने देखा अपना अच्छा वाला पार्ट रखता मेरा गंदा वाला डाल देता अच्छा मेरी फोटो भी थंबनेल में इतनी गंदी डालता है खुद जो अच्छा लग रहा होता है बस वही रखता है से मैं कहां किसी एक फोटो में अच्छा लग रहा हूं दिखा दो वाओ यार मून क्या लग रहा है रुक एक मिनट पहले और कुछ नहीं बोलेगा वाओ यार सन क्या लग रहा है यार पहली बात वो मून नहीं है सन है जो कि आपने बाद में रेक्टिफाई करा उसे नीचे जा रहा तेजी में ना अभी तो ऊपर था और एकदम वो था इसके मतलब अर्थ घूम रही है ना मतलब गुड़गांव भी घूम रहा है हमारा वाओ यार गुड़गांव भी घूमता होगा ना दिन भर गुड़गांव फरीदाबाद दिल्ली ये बड़ा अच्छा जोक है सारी कैबे कितने लोग लेते हैं फ्लाइट है दिन की मैं वो समझ ही नहीं आता है सारी कैबे जा रही है उधर एयरपोर्ट कैबे इतने चिंगड़ी लोग होते हैं ना भाई एयरपोर्ट के आसपास आपने देखे हैं गाड़ी खरीद लेंगे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू 7 पता नहीं कौन कौन सीरीज ऑडी और 250 रुपए की पार्किंग बचाते हैं हाँ, साइड साइड में लाइन में लगा के साइड में और जिस दिन चलान करता 2000 का चलान तो 8 बारी का पिकअप तो गया तुम्हारा एक बारी में इस गाड़ी की बात कर रहा था मैं हमेशा एक रिवर्स आती गाड़ी देखो दिखा रहा ये देख रहे हो ये दिख रही है ये देखो दोस्तों आपने हमें देखा होगा एक हमेशा एयर फ्लाईओवर पे एक फुद्दू चढ़ाई होता है जो हमेशा गाड़ी रिवर्स ले रहा होता है इसको पता ही नहीं होता इधर जाने की इधर जाना है तो एक काम करना आपने जोक सारे ऐसे ही ट्राई कर लिया कर व्लॉग में हाँ। फिर शो पे आएंगे तो कहेंगे तो सुना सुना दोस्तों अभी शो करके आए हैं रात के 12:10 बज रहे हैं और बंदे का टाइम होता है इस टाइम सो जाए और ये देखो रात को उन्हें फूल लेके आई है फूल सजा रही है मतलब सोने चलो यार ये क्या कर रहे हो अब रात में फोन देखता हूँ रात का टाइम है देखो अभी अलग अलग जगह ये अलग नई चुल मची आजकल सीरिया के फूल लगाने की घर में ये देखो ये भी पुराने वाले ख़राब भी नहीं हुए थे ऊपर से ये और ये लग गया चार पांच झाड़ पत्ती क्या है ये हैं कितना गंदा तुमने लाया तुम बाल खोल के सीरिया बालों का प्रॉब्लम नहीं है इधर डू यू रियलाइज हैं आ गया थंबनेल चलो ना हो गया यार ब्लू लेबल की बोतल में फूल इनकेस किसी को ब्लू लेबल इधर से खरीदनी है फरीदाबाद सस्ती मिलती है मुंबई से तो भाई 1/3 रेट ही मान लो ऑलमोस्ट तुरंत देख के बता दे क्या मैंने कहा बोतल से तुरंत देख के बता दे कौन सी बोतल है फूल कौन सा होता होता डेजी कुछ भी आप ज्यादा वो हो क्या फन्ने का तूने कहीं तो सुना है मुझे बोलता अच्छा सुना मैंने कोई नहीं सुना है किसको नहीं पता है सबको पता है डेजी है ये अच्छा और वो कौन सा बताना हैं ये वाला आपने एक पूछा ना मैंने एक बता दिया मेरे को पता मुझे याद है मैंने हाथ से कुछ तो बोला था शायद गाड़ी में कौन से ये है बुगनवेलिया बुगनवेलिया आपका कट गया ना आपकी कट आपकी फटली ना जैसे मैंने नाम बताया लिली भूख लग रही है लिली लिली दोस्तों वहां मेरा अंडा जल सकता है पर मैं इसका व्लॉग जरूर बनाऊंगा ये देखो रात के चुल मची थी इनके काम करने की और बोतल तोड़ दी दीदी की बनाई बोतल डाको पाज एक व्लॉग में हमने समझाया था बोतल कैसी बनती है डाको पाज डाको पाज जो भी है मेरा अंडा अंडा खराब हो रहा है रुक जा तो ये देखो रात को आज कहेंगे चुल मची थी बोतल तोड़ दी डाको पाज डाको पाज डाको पाज अब उसमें सिखाया था ना कैसे बनाते हैं ये वाला अब बनाना ये देख लो दीदी श्रेया ने तोड़ दी बोतल अपने फूल लगाने के चक्कर में उस बोतल में फूल बने हुए तब भी फूल लगा रहे हो देखो इस पे फूल लगे हुए हैं क्या हुआ था एक बार हाँ
किसी ने तो ऐसी बॉटल रख दी थी, वो बेचारा वो आया था उसने ऐसे करके लाला होगा तो कांच उसके उसमें चला गया। कब? यहाँ नीचे ही? हाँ यही हुआ था, फिर उसने छुट्टी ली थी बहुत दिन के लिए। जहाँ से इसको करना डिस्पोज, अब जैसे मर्जी डिस्पोज करो श्रेया, आपके चुल भी तो मच रही है रात को 12:15 बजे करने की। ये सब ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन बना फिरता है बड़ा हीरो बन के, इसका जरा अटायर देख लो। मेरा कपड़ा मत काटना, तमीज काट दो, हाँ काट दूंगा और मेरा सब डाल दूंगा। ये देखो, टुडे आई एम गोना शो यू ऑल अ ट्रिक कि अगर कभी कांच गिर जाए, मतलब कांच टूट जाए तो उसे कैसे उठाते हैं। ये देखो वो छोटा सा कांच है, ये वाइट कलर का, ये सो बेसिकली आई हैव टेकन दिस आटे का गोला एंड आई एम डूइंग दिस। तू भी बना ना थोड़ा। ये देखो ये सारे चिपक जाते हैं, तो इट्स एनी डे बेटर देन पिकिंग अप द टाइनी बिट्स फ्रॉम योर हैंड, और साथ साथ जो गंदगी होती है वो भी चिपक जाती। क्या झाड़ू करती है, भगवान ही मालिक है। देख ओके गाइस, सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर नाउ, आई होप आफ्टर दिस व्लॉग वी विल बी एबल टू रीच 3 लाख, लेट्स होप। अदरवाइज अगले में, तो नहीं तो उससे अगले में, नहीं तो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे भाई साहब, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द व्लॉग देन अगेन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, बाय।